ये बात है कि शिक्षक भर्तियां निकलनी चाहिए। मैं भी इसका मतलब समर्थक हूँ कि शिक्षक भर्तियां निकालो। जो बीएड के हुए विद्यार्थी है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए नहीं तैयारी करते, वो शिक्षक भर्ती के लिए करते हैं, निकालनी है। लेकिन ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती भी निकलनी थी, वो इसलिए क्योंकि बहुत समय से लंबे समय से नहीं निकली, तो ये भी निकलनी थी। लेकिन यहाँ पे ये जो है बीएड डिग्रीधारी, जो बीएसटीसी डिग्रीधारी जो है, माननीय मंत्री महोदय जितने भी है, जहां तक भी आवाज पहुंचे, शिक्षक भर्तियां निकालो, कम से कम रीट पात्रता निकालो, क्योंकि ये बीएड इसलिए करते हैं कि वो शिक्षक बने और उनका सपना ये होता है, तो वो भर्तियां निकालो कम से कम। ये चीजें 1 लाख भर्ती का टारगेट यदि ऐसे पूरा होगा तो वो वाली भर्तियां कब आएगी जो 2-3 साल से नहीं आई है, सूखा पड़ा हुआ है, या फिर आने वाले समय में एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा कि भर्तियों का अकाल कौन सी सरकार के समय पड़ा था, कि किस समय को, किस काल को जो है भर्तियों के अकाल की संज्ञा दी गई राजस्थान में, ऐसा प्रश्न नहीं बने। इसलिए ये भर्तियां सरकारी जो है, बाकी शिक्षक की, पटवारी की, वीडियो की, ये आनी चाहिए अब, क्योंकि समय हो गया बहुत ज्यादा। विद्यार्थी कब तक संघर्ष करेगा, कब तक बढ़ेगा वो इन भर्तियों के लिए, और जाते हैं कहीं इनके इंतजार में, तो इसलिए ये भर्तियां समय पर आनी बहुत जरूरी।